हेलो स्टूडेंट्स, वी आर कंटिन्यूइंग इंग एस 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन। सो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट स्टेप नंबर 5 विच इज रिलेटेड विद डिटर्मिनेशन एंड मेजरमेंट ऑफ कंसीडरेशन फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी सो व्हाट इज मेंट बाय अवर कंसीडरेशन। सो कंसीडरेशन मीन्स प्राइस विच इज पेएबल बाय एक्वायरर टू एक्वायरी for acquisition of business in business combination. So we know that in business combination, one company obtains control of other company. So the company which acquires control is called acquirer and other company is called acquiree. So for that purpose, acquirer has to pay some price to acquiree, which is called consideration for business combination. So this is our step number 5 in the whole process of business combination. So which is regarding measurement of consideration. So let us say what are different components of consideration. So this consideration, it includes different components. Components means what items are included in consideration. So first of all, it includes, so we may pay some cash or we may pay some assets to acquire. It means this is our amount of cash or assets which are transferred so by acquirer to acquiring company. इसकी measurement कैसे करेंगे? तो उनकी जो भी fair value है as on date of acquisition, so this will be measured so at fair value, so as on acquisition date. इसमें कैश की वैल्यू तो सेम ही रहती है, बाकी जो आप ये कोई एसेट्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसकी बुक वैल्यू आपको कंसीडर नहीं करनी है, हमें कंसीडर करनी है उसकी फेयर वैल्यू कितनी है एज इन डेट ऑफ एक्विजिशन। तो सेकंड आइटम है अब आपकी कि जो एक्वायरर कंपनी है वो अपने शेयर इशू कर रहा है एक्वायरी कंपनी को, सो इट मीन्स सेकंड कंपोनेंट कैन बी इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स जिसे बाय एक्वायरर टू एक्वायरी। अब जो इक्विटी शेयर आप इशू करने हैं तो उसकी वैल्यू क्या लेंगे हम? तो एक फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि जब आप एक्वायरी का बिजनेस एक्वायर करते हैं या उसके शेयर आपने एक एक्वायर किए हैं तो उसकी फेयर वैल्यू कंसिडर कीजिए। इट मीन्स इन दिस केस फर्स्ट पॉसिबिलिटी है फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्वायरी कंपनी सो एज ऑन एक्विजिशन डेट। तक यदि आपके पास फेयर वैल्यू नहीं है एक्वायरी कंपनी की, कैन वी विल कंसीडर फेयर वैल्यू ऑफ जो शेयर आपने इशू किए हैं बाय एक्वायरर ने। इट मीन्स कैन वी विल कंसीडर फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स विच आर इशूड बाय एक्वायरर। इतनी फर्स्ट पॉसिबिलिटी आपको लेनी है एक्वायरी कंपनी के जो शेयर्स आप एक्वायर कर रहे हैं उनकी फेयर वैल्यू कितनी है। बट इफ दिस इज नॉट अवेलेबल, कैन वी विल टेक फेयर वैल्यू ऑफ जो शेयर्स आपने इशू किए हैं एंड दैट विल बी ऑफ एक्वायरर कंपनी। फिर थर्ड आपका कंसीडरेशन हो सकते हैं, और कई बार ये भी होता है कि एक्वायरर के पास पहले से कुछ शेयर्स हैं एक्वायरी कंपनी के, मे बी 20% 30%, उसको भी आपने रिवैल्यू करना है। तो जिसे कहा अवर प्रीवियसली हेल्ड सो इक्विटी इन्वेस्टमेंट, या हम इसको कहते हैं इक्विटी इंटरेस्ट, जो एक्वायरर के पास पहले से कुछ इक्विटी शेयर्स हैं एक्वायरी कंपनी के, किसी का जो प्रीवियसली हेल्ड इक्विटी इंटरेस्ट सो इन एक्वायरी कंपनी, तो इसको भी आप रिवैल्यू कीजिए एट फेयर वैल्यू। इट मीन्स दिस विल बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू ऑन एक्विजिशन डेट। और उससे जो भी मेजरमेंट करने से जो डिफरेंस आएगा आपका गेन या लॉस होगा उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं P&L में या OCI में। तो इट मीन्स जो भी आपका गेन है या लॉस है इसलिए ट्रांसफ़र की को P&L और अगर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम डिपेंड करता है कि जो पहले आपके पास इन्वेस्टमेंट है इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन इक्वायरी में उसको आप फेयर वैल्यू पे वैल्यू कर रहे हैं और उसका गेन P&L में ट्रांसफ़र कर रहे हैं या फिर अगर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम में, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने इसको ट्रांसफ़र कर देना है। तो इट मीन्स कंसीडरेशन के कंपोनेंट्स हैं जो आप कैश पे कर रहे हैं या कोई एसेट्स ट्रांसफ़र किए हैं या आपने कोई शेयर इशू किए हैं या कोई पुराने शेयर आपके पास हैं उनकी फेयर वैल्यू कितनी है, और प्लस हम एग्री करते हैं कई बार कि कुछ कंसीडरेशन हम फ्यूचर में पे करेंगे उसको हम कहते हैं डेफर्ड कंसीडरेशन।
सो वी हैव टू कंसीडर व्हाट इज गैफर कंसीडरेशन। गैफर कंसीडरेशन होता है कि एक्वायरर एग्रीज टू पे सम अमाउंट इन फ्यूचर। इट मीन्स गैफर कंसीडरेशन मीन्स अमाउंट पेबल इन फ्यूचर, मे बी आफ्टर 1 ईयर, मे बी आफ्टर 2 ईयर। देखिए आफ्टर 1 ईयर है या 2 ईयर है तो हम इसकी वैल्यू करते हैं एक प्राइजिंग वैल्यू के बेस पर। कुछ डिस्काउंट करके दिया होगा हमें एक्वायरर कंपनी का, तो उसको अपने वैल्यू करना है एक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अमाउंट। इसमें जो भी फ्यूचर का अमाउंट है तो उसको डिस्काउंट करो आप, प्रेजेंट वैल्यू होती है डिस्काउंटिंग अमाउंट, और इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट होगी एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसको कहते हैं डिस्काउंट रेट ऑफ एक्वायरर कंपनी, इसी के ओ ऑफ एक्वायरर कंपनी। तो ये आपको मेंशन किया होगा क्वेश्चन में। पर एक और कंसीडरेशन होता है, कई बार हम ये भी एग्री करते हैं कि हम एडिशनल कंसीडरेशन पे करेंगे एक्वायरी को इफ सर्टेन कंडीशंस आर सेटिस्फाइड इन फ्यूचर। उसको हम कहते हैं कंटिंजेंट कंसीडरेशन, कंटिंजेंट कंसीडरेशन। ये कंसीडरेशन होता है जो हम पे करते हैं दिस इज पेबल ऑन सेटिस्फेक्शन ऑफ सर्टेन कंडीशंस इन फ्यूचर। देखो कंडीशंस क्या हो सकती हैं, तो उसमें हम ये एग्री करके हैं कि एक्वायरी कंपनी का जो प्रॉफिट है इट शुड बी मिनिमम ऑफ जिसमें अमाउंट, या उसकी जो टर्नओवर है इट शुड बी ऑफ मिनिमम जिसमें अमाउंट। कंडीशंस हो सकती हैं आपकी रिलेटिव हाउ मच विल बी एवर इबिट और नेट प्रॉफिट और टर्नओवर ऑफ एक्वायरी कंपनी, कि मिनिमम इतनी इबिट आपको एक मिलती है आफ्टर 1 ईयर या आफ्टर 2 ईयर, देन एक्वायरर विल पे सम मोर कंसीडरेशन। इतने किसी पेबल ऑन सेटिस्फेक्शन ऑफ सर्टेन कंडीशन, तो उसको भी आपने वैल्यू करना है। इट विल बी वैल्यूड एट फेयर वैल्यू, सो एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। अब ये जो आपका कंटिंजेंट कंसीडरेशन है, ये हम कैश में भी पे कर सकते हैं, ये हम शेयर्स में भी पे कर सकते हैं। जो शेयर आपने इशू करने हैं वो फिक्स्ड भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं। तो उसको अभी को हमने वैल्यू कर दिया है फेयर वैल्यू के ऊपर एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। फ्यूचर में इसकी फेयर वैल्यू चेंज हो सकती है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, तो वो भी हम अभी डिस्कस करते हैं। तो इसमें आपने देखा कंसीडरेशन में हमारे मेनली 5 कंपोनेंट्स हैं। जो भी आपने कैश पे किया है या कोई ऐसे ट्रांसफ़र किए हैं या कोई आपने लाइबिलिटी भी लेकर होता है कि हमने इनकर की है, वो भी आ जाएगी आपकी। सेकेंड, आपने जो शेयर इशू किए हैं। थर्ड, जो आपके पास पुराने शेयर हैं, पहले से कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं आपके पास इक्विटी में एक्वायरी कंपनी की, उसकी भी हम लेंगे फेयर वैल्यू। फोर्थ है आपका गैफर कंसीडरेशन, जो आपने फ्यूचर में पे करना है, जो आपने एग्री कर लिया है आज की डेट में। और प्लस कंटिंजेंट कंसीडरेशन, ये जो आपने पे करना है ऑन सेटिस्फेक्शन ऑफ सर्टेन इवेंट्स और कंडीशंस इन फ्यूचर टाइम पीरियड। तो सबकी हमने कैलकुलेट की फेयर वैल्यू कितनी है एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, उन सबका टोटल कर लीजिए, वो आपका बन जाएगा कंसीडरेशन फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन। तो आप देखते हैं कि अब ये जो कंटिंजेंट कंसीडरेशन है इसकी किस तरीके से मेजरमेंट करनी है फ्यूचर पीरियड में। जैसे मेजरमेंट ऑफ किसी कंटिंजेंट कंसीडरेशन जिसे इन फ्यूचर पीरियड्स, फ्यूचर का मतलब है आफ्टर एक्विजिशन गेट। और इसमें देखो दो पॉसिबिलिटीज हैं। नंबर 1, सो इफ एक इज पेबल, देखिए तो आपने इसकी पेमेंट करनी है बाय इशू ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, बाय इशू ऑफ जिसे फिक्स्ड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। जैसे आपने डिसाइड कर लिया है कि इफ़ इबिट विल इंक्रीज और इट विल बी अबव ₹1 करोड़, देन वी विल इशू 10,000 मोर इक्विटी शेयर्स। तो इट मीन्स अब आपके जो इक्विटी शेयर्स हैं इसके नंबर फिक्स हैं 10,000, तो ये आपकी इक्विटी ट्रांजेक्शन मानी जाएगी। सो इट इज कॉल्ड इक्विटी ट्रांजेक्शन। इक्विटी ट्रांजेक्शन होता है कि इसके अगेंस्ट हम शेयर इशू कर देंगे और इसकी वैल्यू आपकी फिक्स है, इसको हम रीमेजर नहीं करेंगे। सो इट विल नोट बी रीमेजर्ड, इट मीन इसकी वैल्यू सेम रहेगी जो आपने मेजर किया है एज एन एक्विजिशन डेट। इट मीन्स वी कैन से इट्स वैल्यू इन सेम एंड जैट इक्वल टू फेयर वैल्यू एज ऑन एक्विजिशन डेट। जो भी आपकी फेयर वैल्यू आपने ली है एज एन एक्विजिशन डेट, यही वैल्यू आपकी सेम रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सेकेंड पॉसिबिलिटी है, और सेकेंड पॉसिबिलिटी एक इट इज पेबल इन कैश और बाई वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। इफ इट इज पेबल इन कैश
और इट मे बी बाय इशू ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। वेरिएबल मीन्स अब आपने अमाउंट फिक्स कर दिया है कि जैसे आपने 25 लाख पे करने हैं, पर उसके लिए कितने शेयर इशू करेंगे वो डिपेंड करके है, उस टाइम जो भी फेयर वैल्यू होगी। कुछ मीन्स वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर आपके कैसे कैलकुलेट होंगे, तो फिक्स्ड अमाउंट जो आपने पे करना है पेएबल, और उसको डिवाइड कर लीजिए आप फेयर वैल्यू ऑफ शेयर। अब शेयर की वैल्यू चेंज होकर रखी है, तो जैसे आपने आफ्टर 1 ईयर पेमेंट करनी है या आफ्टर 2 ईयर, उस टाइम जो भी फेयर वैल्यू होगी उससे डिवाइड करोगे तो आपके नंबर ऑफ शेयर चेंज हो जाएंगे। उसको हम कहते हैं इट इज बाय इशू ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर। और ये आपने कैश में पे करना है, देन किसी कॉल की लाइबिलिटी, इसको हम अज्यूम करके कि ये आपकी एक लाइबिलिटी है, सो इट इज कॉल जो फाइनेंशियल लाइबिलिटी। अब वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी है तो इसको आपने इनिशियली जिनको मेजर किया था फेयर वैल्यू है एक्विजिशन डेट में, अब फ्यूचर में जब इसकी फेयर वैल्यू चेंज होगी इसको री मेजर करेंगे, इट विल बी री मेजर्ड। तो आपने री मेजर करना है इसको, सो एट फेयर वैल्यू ऑन डेट ऑफ पेमेंट, जिस टाइम आप इसकी पेमेंट कर रहे हैं, एट फेयर वैल्यू ऑन डेट ऑफ पेमेंट। उससे डिफरेंस आएगा कुछ कि पहले कितनी फेयर वैल्यू पर आपने रिकॉर्ड किया था उसको, अब पेमेंट किस फेयर वैल्यू पर कर रहे हैं, तो जो भी डिफरेंस आएगा वो आपका पीएनएल में ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो डिफरेंस विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल। तो एट टाइम ऑफ पेमेंट, जब आप पेमेंट करेंगे उस टाइम, सो ऑन डेट ऑफ पेमेंट। तो मेन आपने देखा कि जो मेन पॉइंट है वो हमारा कॉन्टिंजेंट कॉन्सिडरेशन का ही है, ओवरऑल कॉन्सिडरेशन। तो देखो जब बिजनेस कॉम्बिनेशन होता है तो उसकी क्या एंट्रीज होंगे इनकी बुक्स ऑफ एक्वायर्ड कंपनी। तो मेन देखो 2 3 एंट्रीज हैं, नंबर 1 आपने बिजनेस एक्वायर किया है और उसका कॉन्सिडरेशन ड्यू हो गया है, तो नंबर 1 इज बिजनेस इज एक्वायर्ड एंड कॉन्सिडरेशन इज ड्यू। क्योंकि हम बिजनेस एक्वायर करके हैं तो हम एसेट्स और लायबिलिटीज को एक्वायर कर रहे हैं, तो हम उसको नेट भी शो कर सकते हैं, नेट एसेट्स एक्वायर्ड, नेट एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, जो आपने एसेट्स एक्वायर किए हैं ये आ जाएगी आपकी एट फेयर वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। अब उसके अगेंस्ट ये हमने पहले नेट ले ली है, एक ही लाइबिलिटीज मैंने माइनस कर ली है, अब इसके अगेंस्ट आपने कॉन्सिडरेशन पे करना है, एक तो जो आपने कैश देना है, शेयर देने हैं, कोई पुराने शेयर पहले से ही हैं उसको हम ले जाएंगे टू कॉन्सिडरेशन पेएबल अकाउंट, उसकी पेमेंट को अभी हो जाएगी आपके टू कॉन्सिडरेशन पेएबल अकाउंट। और कुछ आपने अभी फ्यूचर में पे करना है विच कहा कि डेफर कॉन्सिडरेशन, तो उसको ट्रांसफर कीजिए टू डेफर कॉन्सिडरेशन अकाउंट। और कुछ आपने पे करना है ऑन सेटिस्फेक्शन ऑफ कंडीशन विच कहा कि कॉन्टिंजेंट कॉन्सिडरेशन, उसको ट्रांसफर कर लीजिए आप टू कॉन्टिंजेंट कॉन्सिडरेशन अकाउंट। ये आपकी एंट्री जो है सेट हो जाएगी, नेट कैसे आपकी एक्वायर हो गई हैं, कॉन्सिडरेशन ड्यू हो गए हैं। और कोई डिफरेंस होता है वो हमारा गुडविल या कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है, इसमें गुडविल आपकी डेबिट हो जाएगी, तो गुडविल अकाउंट डेबिट। और एक आपको गेन हो रहा है जिसका नाम है बार्गेन परचेज गेन, वो हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब अच्छा सेकेंड आपने जो कॉन्सिडरेशन है इसको पे कर लिया है, उसकी वो क्या एंट्री होगी, सेकेंड एंट्री होगी कॉन्सिडरेशन, उसको हम कहते हैं कॉन्सिडरेशन इज डिस्चार्ज और सेटिस्फाइड और पेड, उसको कॉन्सिडरेशन पेबल को डेबिट कीजिए, कॉन्सिडरेशन पेबल अकाउंट डेबिट कीजिए। अब जैसे आपने कुछ कैश पे कर दिया है टू बैंक, और या आपने कोई एसेट्स ट्रांसफ़र कर दिए हैं टू एसेट्स अकाउंट, जब आप एसेट ट्रांसफ़र कर रहे हैं उनको पहले ही हम रिवैल्यू कर लेते हैं उसकी फेयर वैल्यू पे, और आपके पास कोई पुराने शेयर्स हैं जो आपने एडजस्ट करने हैं तो उसको हम एडजस्ट कर देंगे टू इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी ऑफ एक्वायरी कंपनी। यह है प्रीवियसली हेल्ड इक्विटी इंटरेस्ट, जो हमारी बुक्स में एज इन्वेस्टमेंट अपीयर हो रहा था वो भी कॉन्सिडरेशन का पार्ट बन जाएगा, दिस इज ऑल्सो एक फेयर वैल्यू। तो उसमें कॉन्सिडरेशन ये पे करने हैं, कुछ हमने कैश दे दिया है, कुछ ऐसे ट्रांसफ़र कर दी, कुछ हमारे पास इन्वेस्टमेंट की वो एडजस्ट होगी, अब कुछ आप अब नए शेयर इशू करोगे उसकी एंट्री बन जाएगी टू शेयर कैपिटल, इक्विटी की शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब आपने जो नए शेयर इशू किए हैं उनको हम वैल्यू कर रहे हैं फेयर वैल्यू पे, तो पेगर वैल्यू फेस वैल्यू आ जाएगी कैपिटल में, डिफरेंस आ जाएगा प्रीमियम में, ये आपकी एंट्री बन जाएगी कॉन्सिडरेशन इज पेड।
फिर आ क्या है, अब आपका फ्यूचर पीरियड में आफ्टर 1 ईयर, जैसे आप गैफल कंसीडरेशन पे कर रहे हैं या कॉन्क्लिंगेंट, तो पहले देखते हैं कि गैफल कंसीडरेशन पे होगा, उसकी सिंपल एंट्री है गैफल कंसीडरेशन। अब गैफल कंसीडरेशन था जैसे आपने पे करना था 1 साल के बाद, ठीक है, तो अब आप पेमेंट कर रहे हैं, अब उसकी हमने कैलकुलेट की प्रेजेंट वैल्यू, तो उसकी एंट्री बन जाएगी गैफल कंसीडरेशन, जो बुक्स में है हमारी, हमने एंट्री पास की थी, और जो आपने पेमेंट करनी है उनमें डिफरेंस आएगा आपका। लेकिन देखो डिफरेंस आ रहा है आपका प्रेजेंट वैल्यू के कारण, फिर को वो हमारी इंटरेस्ट पोस्ट मानी जाती है डिफरेंस। डिफरेंस आ रहा है सपोज चलो टाइम गैप आपका 3 महीने का ही है, 6 महीने का है, फिर कोई डिफरेंस आ रहा है क्योंकि चेंज इन फेयर वैल्यू, वो हमारा सिंपली लॉस में जाएगा, उसको P&L में ट्रांसफर करेंगे टू बैंक। ये आपकी एंट्री बन जाएगी फॉर पेमेंट ऑफ गैफल टू कंसीडरेशन। अब देखते हैं कॉन्टिंजेंट कंसीडरेशन की एंट्री कैसे होगी जब आप इसकी पेमेंट करते हो, तो फोर्थ इनको आपकी एंट्री है कॉन्टिंजेंट टू कंसीडरेशन, ये जो पेड, इसमें देखो दो पॉसिबिलिटी इसकी, फर्स्ट पॉसिबिलिटी है देखिए आप इसकी पेमेंट कर रहे हैं बाई इशू ऑफ फिक्स नंबर ऑफ शेयर, बाई इशू ऑफ फिक्स नंबर ऑफ शेयर, फिर को आपकी देखो सिंपल एंट्री बन जाएगी कॉन्टिंजेंट कंसीडरेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। इसको को आपने रीमेजर नहीं करना है, तो इसकी वैल्यू सेम रखी है, दिस इज फेयर वैल्यू सो ए योन एक्विजिशन डेट, जो एक्विजिशन डेट के टाइम आपकी फेयर वैल्यू थी, तो वही वैल्यू आपने रखनी है, तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा आपका, और शेयर इशू कर दीजिए बस। सेकेंड है आपका, अब आपने पेमेंट करनी है कैश में या आपके वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स हैं, बाय कैश और वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स, तो इसकी अब आपने पेमेंट करनी है फेयर वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ पेमेंट। अब आप चेक कीजिए हाउ मच इज फेयर वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ पेमेंट, पेमेंट के टाइम आपकी कितनी फेयर वैल्यू है, उतना कैश पे कर लीजिए तो डिफरेंस आ जाएगा, वो P&L में ट्रांसफर हो जाएगा। देखिए आप शेयर इशू कर रहे हैं तो नंबर ऑफ शेयर इसको डिवाइड कर दो फेयर वैल्यू शेयर से, तो वो आपके नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, तो फ्रेंड्स पेमेंट आपकी यही होगी जो फेयर वैल्यू है अब आपकी एज ऑन डेट ऑफ पेमेंट, तो देखो एंट्री बन जाएगी कॉन्टिंजेंट कंसीडरेशन अकाउंट डेबिटेड, ये आपकी है फेयर वैल्यू ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। अब आपने पेमेंट करनी है फेयर वैल्यू ऑन डेट ऑफ पेमेंट, क्योंकि डिफरेंस आएगा वो P&L में ट्रांसफर हो जाएगा, मोस्टली लॉस ही होता है जैसे, टू कैश पे कर लीजिए आप बैंक में, या फिर जो आप शेयर इशू कर रहे हैं टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, उस तरीके से आपकी एंट्री सेटिस्फाई हो जाएगी। तो अब देखो कुछ एग्जांपल करते हैं, उससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन एग्जांपल 41, सो इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन दैट ऑन 1 अप्रैल ऑफ करंट ईयर ए लिमिटेड एक्वायर्स 100% इक्विटी इंटरेस्ट इन बी लिमिटेड फॉर विच द परचेज कंसीडरेशन इज पेबल इन द फॉलोइंग टू करंट ईयर। नंबर वन इज एन इमीडिएट इशू ऑफ 10 लाख शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड हैविंग ए फेस वैल्यू ₹10 ईच, जिसमें ए ने बी के 100% इक्विटी शेयर एक्वायर किए हैं, एंड ए विल इशू 10 लाख शेयर्स ऑफ इट्स ओन ऑफ ₹10 ईच, एंड अ फर्दर इशू ऑफ 2 लाख शेयर्स आफ्टर 1 ईयर इफ EBIT ऑफ बी लिमिटेड फॉर द फर्स्ट ईयर फॉलोइंग एक्विजिशन एक्सीड्स ₹1 करोड़। फिर आपने कुछ शेयर इशू करने हैं आफ्टर 1 ईयर, और देखिए एक्वायरिंग कंपनी के EBIT एक्सीड करती है ₹1 करोड़। सो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन फेयर वैल्यू शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड इज ₹20 पर शेयर, एंड फेयर वैल्यू कॉन्टिंजेंट कंसीडरेशन इज ₹25 लाख। देखो अब आपका करंट ईयर चल रहा है, आपको मेंशन किया है किसी के ऊपर करंट ईयर एज ऑन 1 अप्रैल ऑफ दिस करंट ईयर, तो ए लिमिटेड ने एक्वायर किया है बी लिमिटेड को, उसकी 100% की इक्विटी आपने एक्वायर की है, तो जिस डेट को आप एक्विजिशन कर रहे हैं उस टाइम आपको देखो फेयर वैल्यू दी है ऑफ शेयर ऑफ ए लिमिटेड, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ ए लिमिटेड जिसे जो ₹20 पर शेयर, और फर्दर आपको मेंशन किया है जो कॉन्टिंजेंट कंसीडरेशन है जो आपने 2 लाख शेयर इशू करने हैं आफ्टर 1 ईयर, उसकी फेयर वैल्यू है 25 लाख, फेयर वैल्यू ऑफ कॉन्टिंजेंट कंसीडरेशन किसी जो ₹25 लाख, और उसके लिए आपने ना फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर इशू करने हैं जैसे कि 2 लाख शेयर्स, और आपने इशू करने हैं फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर
इशू 2 लाख शेयर्स। ये नंबर दिए हैं, इतने ये आपके फिक्स नंबर ऑफ शेयर हैं। सो नाउ दे आर सेइंग एट एंड ऑफ फर्स्ट ईयर द इबिक ऑफ बी एक्सीड्स ₹1 करोड़। अब जो इबिक है एक्वायरी कंपनी की वो एक्सीड कर गई है ₹1 करोड़। एंड ऑन दैट डेट द फेयर वैल्यू शेयर ऑफ ए इज ₹25 पर शेयर। इट मीन्स एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, जब आपका एंड हो रहा है फर्स्ट ईयर का, तो उस टाइम अब जो फेयर वैल्यू है आपके शेयर की ये हो गई है ₹25, जो आप शेयर इशू करेंगे आफ्टर 1 ईयर। एंड कंटिंजेंट कंसीडरेशन इज पेड, तो आपको डिटर्मिन करना है बाकी अमाउंट को परचे कंसीडरेशन फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड फॉर करंट ईयर। तो देखो सबसे पहले डिटर्मिन करके हैं नंबर वन बाकी अमाउंट ऑफ कंसीडरेशन। तो एक तो आपने प्राइजिंग कंसीडरेशन जो आपने पे करना है बाई इशू शेयर, उसके लिए 10 लाख शेयर हम इशू करेंगे, तो दी जा रहे रुपीज लैक्स में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 10 लाख शेयर आपने इशू करने हैं और आज उसकी फेयर वैल्यू है ₹20। तो इट मीन्स जिस वैल्यू होगी 200 लाख और प्लस आपका आ जाएगा कॉन्टिंजेंट कंसीडरेशन, उसकी फेयर वैल्यू आपको ये रखिए 25 लाख, उसकी फेयर वैल्यू लीजिए आप 25। इट मीन्स टोटल कंसीडरेशन है आपका 225। और इसके कितने शेयर आपने इशू करने हैं, अब इसको रिवैल्यू नहीं करेंगे हम, क्योंकि आपने फिक्स नंबर ऑफ शेयर इशू करने हैं कॉन्टिंजेंट कंसीडरेशन में, उसके नंबर ऑफ शेयर 2 लाख ही रहेंगे और पेमेंट हम कर देंगे 25 लाख की एट दी टाइम ऑफ पेमेंट आफ्टर 1 ईयर। तो देखते हैं इसकी जनरल एंट्रीज देखो कैसे बनेंगे। वी आर शोइंग बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, रुपीज हैं आपके लैक्स में, वन इज डेबिट एंड क्रेडिट। पहले लेके हैं एज ऑन एक्विजिशन डेट, जिससे जो करंट ईयर है आपका, जिससे जो 1 अप्रैल। तो बिजनेस आपने एक्वायर किया है, इतनी नेट एसेट्स आपने एक्वायर किए हैं, इसको हम ये भी कहते हैं नेट आइडेंटिफिएबल एसेट्स अकाउंट की डेबिट। और उसके लिए अब आपने जो पेमेंट करनी है टू कंसीडरेशन पेएबल अकाउंट, जो आपने आज ही पे करना है। और एक आ जाएगा आपका टू कंटिंजेंट टू कंसीडरेशन अकाउंट, उसमें जो नेट एसेट्स की वैल्यू को मेंशन नहीं की, कंसीडरेशन आपने जो आज ही पे करना है उसकी वैल्यू है 200 लाख, कंटिंजेंट कंसीडरेशन है 25। तो टोटल नेट एसेट्स की वैल्यू बन गई आपकी 225। और कोई गुडविल कैप्चर गैप हम शो नहीं कर सकते इस केस में। अब जो कंसीडरेशन आपने आज ही पे कर दिया है उसकी पेमेंट कर रहे हैं कंसीडरेशन पेएबल अकाउंट डेबिट, उसके लिए आपने शेयर इशू कर दिए हैं टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो आज आपने कंसीडरेशन पे करना है 200 लाख, उसके लिए आपने 10 लाख शेयर इशू किए, फेस वैल्यू है 10 रुपये, तो 100 लाख का हो गया शेयर कैपिटल और 100 लाख आपका आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में। अब आता है एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, अब आपकी इबिक जो है एक्सीड हो गई है ₹1 करोड़, जो हमारी कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो गई है, उसकी पेमेंट हो जाएगी एंड ऑफ ईयर, उसकी है पेमेंट कंटिंजेंट कंसीडरेशन अकाउंट डेबिट। आप इसमें ये भी ले सकते हैं कंटिंजेंट कंसीडरेशन पेएबल अकाउंट, क्योंकि आपने पेमेंट करनी है फ्यूचर में। अब इसके लिए आपने फिक्स नंबर ऑफ शेयर इशू करने हैं, तो वो देखो आपको मेंशन किया कि 2 लाख शेयर आपने इशू करने हैं, उसकी फेयर वैल्यू थी इस टाइम 25। आप इशू कीजिए शेयर से टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये बन जाएगी ये 2 लाख शेयर है 10 रुपीज, इसकी फेस वैल्यू है 20 लाख, और जो डिफरेंस आएगा वो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफ़र हो जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम, किसी ओवर 5 लैक्स। तो इस केस में कंटिंजेंट कंसीडरेशन आपने पे करना था बाय इशू ऑफ फिक्स नंबर ऑफ शेयर, तो उसको हमने रिवैल्यू नहीं करने हैं फेयर वैल्यू पर, इसकी वैल्यू सेम ही रहेगी 25 लाख। नेक्स्ट लिखे थी एग्जाम्पल नंबर 42। सो इन जिस क्वेश्चन की गिवन ऑन 1 अप्रैल ऑफ करंट ईयर ए लिमिटेड एक्वायर्स 100% इक्विटी इंटरेस्ट इन बी लिमिटेड फॉर विच परके कंसीडरेशन इज पेएबल इन फ्लोइंग टू करंट ईयर। नंबर वन इज इमीडिएट इशू ऑफ 10 लाख शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड हैविंग फेस वैल्यू ₹10 ईच एंड फर्दर इशू ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स हैविंग ए फेयर वैल्यू इक्वल टू ₹40 लाख। अब आपने 40 लाख की पेमेंट करनी है, पर उसके लिए नंबर ऑफ शेयर आपको मेंशन नहीं किए हैं। आफ्टर 1 ईयर इफ इबिट ऑफ बी लिमिटेड फॉर द फर्स्ट ईयर फ्लोइंग एक्विजिशन एक्सीड्स ₹1 करोड़, इसमें किसी कंटिंजेंट कंसीडरेशन, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन ईबीआईटी आफ्टर 1 ईयर।
सो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन द फेयर वैल्यू शेयर ऑफ ए लिमिटेड रुपए 20 पर शेयर एंड द फेयर वैल्यू कंटिंजेंट कंसीडरेशन 25 लाख है। उस केस में फेयर वैल्यू दी है ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। सो ड्यूरिंग द ईयर एंडेड द इबिट ऑफ बी लिमिटेड एक्सीड्स रुपीज 1 करोड़। तो इस ईयर के एंड में अब आपकी जो है मीन्स आफ्टर 1 ईयर इबिट एक्सीड हो गई है 1 करोड़ एंड एज ऑन 31 मार्च मीन्स एंड ऑफ करंट ईयर द फेयर वैल्यू शेयर ऑफ ए लिमिटेड इज रुपीज 25 पर शेयर एंड कंटिंजेंट कंसीडरेशन इज पेड। सो वी हैव टू डिटरमिन द अमाउंट ऑफ कंसीडरेशन एंड पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड फॉर करंट ईयर। तो इसमें देखिए आपको जो कंटिंजेंट कंसीडरेशन है उसके लिए आपको मेंशन किया है, नंबर ऑफ शेयर मेंशन नहीं किया है, उसकी फेयर वैल्यू भी है आज 40 लाख है वो पे करना है। तो इट मीन्स ये हमारी जो है वो लाइबिलिटी मानी जाएगी। तो इसको हम रीमेजर भी करेंगे ऑन द डेट ऑफ पेमेंट। दिस इज गुड क्वेश्चन, ये सी ए में अपीयर हुआ था नवंबर 2022 में। तो लेट अस सी, देखो क्वेश्चन आपको मेंशन किया है करंट ईयर है इन बिगनिंग ऑफ करंट ईयर बीच जो 1 अप्रैल वो ए ने एक्वायर किया है बी को 100% इक्विटी इंटरेस्ट और जो फेयर वैल्यू है ऑफ शेयर ऑफ ए इज रुपीज 20 और जो फेयर वैल्यू है ऑफ कंटिंजेंट कंसीडरेशन जो आपने पे करना है कंटिंजेंट कंसीडरेशन किसी जो रुपीज 25 लाख, तो इसकी पेमेंट आपने करनी है आफ्टर 1 ईयर बाय एंड ऑफ ईयर। तो इसकी वैल्यू है रुपीज 40 लाख। अब उस टाइम आपके शेयर की वैल्यू हो गई है रुपीज 25। तो पहले की कर्मिंग करके हैं बाकी अमाउंट ऑफ कंसीडरेशन एट प्रेजेंट, उसमें दो चीज़ें आती हैं कंसीडरेशन पेबल एट प्रेजेंट। तो वो आपको जो को मेंशन किया ही है इसमें कि आपने 10 लाख शेयर इशू करने हैं तो रुपीज ले लेते हैं लैक्स में। तो 10 लाख शेयर आपने इशू करने हैं आज इसकी फेयर वैल्यू है 20 इट मीन्स 200 लाख और प्लस आपने कंटिंजेंट कंसीडरेशन पे करना है जिसकी आज वैल्यू है 25 लाख। इट मीन्स टोटल कंसीडरेशन है आपका 225 लाख। उसकी एंट्री करके आपको बुक्स ऑफ ए लिमिटेड में जैसे ये पर डेबिट क्रेडिट रुपीज लैक्स में चल रही हैं जैसे ये ऑन 1 अप्रैल ऑफ करंट ईयर, यानी नॉर्मल एंट्री है नेट एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू कंसीडरेशन पेबल अकाउंट एंड टू कंटिंजेंट कंसीडरेशन अकाउंट बीइंग बिजनेस एक्वायर्ड एंड कंसीडरेशन इज ड्यू नेट कैसे जो कंसीडरेशन पेबल है आपका 225 लाख। 200 आपने आज पे करने हैं 25 लाख है आपका कंटिंजेंट कंसीडरेशन। अब इसकी पेमेंट कर रखे हैं उसके लिए आपने 10 लाख शेयर इशू कर दिए ऑफ रुपये 20 और इसमें आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कंटिंजेंट कंसीडरेशन जो है ये आपकी फाइनेंशियल लाइबिलिटी है कि आपने वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर इशू करने हैं। तो सेकेंड एंट्री हम कर रहे हैं कंसीडरेशन पेबल अकाउंट कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट उनको हमने इक्विटी शेयर इशू कर दिए हैं एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इसकी पेमेंट जो खुद हुई है रुपीज 200 लाख। 10 लाख शेयर आपने इशू किए हैं फेस वैल्यू है 100 लाख बैलेंस ही सिक्योरिटी प्रीमियम। फिर आके आपका एंड ऑफ ईयर एंड ऑफ करंट ईयर, अब आपने कंटिंजेंट कंसीडरेशन को पहले रिवैल्यू करने हैं इसकी पेमेंट हमने करनी है 40 लाख की। उसमें से आपका लॉस हो जाएगा पी एंड एल टू कंटिंजेंट कंसीडरेशन जिसे जो रीमेजर एंड लॉस ट्रांसफर को पी एंड एल लॉस को पी एंड एल में हमने ट्रांसफर कर दिया है। तो अब इसकी देखो वैल्यू कितनी हो गई है 40 लाख, पहले आपने रिकॉग्नाइज की 25, तो 15 लाख का हमारा लॉस आ गया। अब इसकी पेमेंट कर रखी है ये अब इसकी पेमेंट करेंगे। अब देखो इसकी वैल्यू हो गई है टोटल 40 लाख कंटिंजेंट कंसीडरेशन, तो आपने कितना है टोटल कितनी पेमेंट करनी है 40 लाख और उसके लिए कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे आपको। अब शेयर की वैल्यू हो गई है आपकी 25, तो 40 लाख को डिवाइड कीजिए 25 से वो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे आपके। तो अगर 1,60,000 शेयर इट मीन्स आपको 40 लाख हाँ मुझे इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल जैसे जो 1.6 लाख शेयर हैं आपके 10 रुपये का अमाउंट है 16 लाख के जो कैपिटल बैलेंस आपका आ जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम जैसे ये 24 लाख। ये हमारा जो कंटिंजेंट कंसीडरेशन हमारा जो है
जिसको री मेजर कर रहे हैं फेयर वैल्यू पे, विच वॉज रिकॉर्डेड एज ए फाइनेंशियल लाइबिलिटी। ये हमारी बुक्स में फाइनेंशियल लाइबिलिटी अपीयर हो रही है, बिकॉज नंबर ऑफ शेयर पर वो फिक्स थे, वो आपके देखो चेंज हो गए हैं। 160 शेयर हम इशू कर रहे हैं, कितना कंसीडरेशन है और उसके कितनी फेयर वैल्यू है शेयर की, उसके बेस पर ये डिपेंड करता है। इस लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट किया हाउ टू डिटरमिन अवर कॉन्सिडरेशन फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन है, विद सम एग्जांपल से। तो फर्दर टॉपिक्स डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।